आज जो लोग मंगल सूत्र की बात करते हैं, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और उनकी पत्नियों के मंगल सूत्र छिन गए थे, तो ये लोग बताएं कि कौन थे वो लोग जिसकी वजह से अंजाम दिया गया पुलवामा की जो घटना को, और सरकार ने क्या किया और सरकार ने क्यों नहीं उनको एरोप्लेन उपलब्ध कराए, जब गवर्नर जी ने कहा था, मलिक जी ने, कि आप फौज को इधर से उधर ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट का प्रयोग करें, तब ये सरकार उनको एयरक्राफ्ट तक नहीं दे पाएगी। और हम सब भूल जाते हैं उनके बलिदान को। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में, अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगल सूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगल सूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली, एक्सरे मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे, और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आपके घर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। अगर माताओं बहनों ने थोड़ी पूंजी बचाई होगी और अनाज के डिब्बे में रखती हैं, तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे। लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगल सूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी। और फिर कहती है हम इसे छीन लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। आपको ये मंजूर है क्या? जरा मुझे पूरी ताकत से बताइए, अगर मेरा विषय समझते हो तो। ये आपको मंजूर है क्या? आपके पास अगर एक घर गांव में है और एक घर आपने शहर में ले लिया, दो घर है, तो एक घर कांग्रेस ले लेगी, कांग्रेस की सरकार ले लेगी। अगर आपके पास दो गाड़ी है तो एक गाड़ी कांग्रेस की सरकार ले लेगी। ये उन्होंने घोषित किया है। क्या आपको ये मंजूर है क्या? ये करने देंगे क्या? आपसे ये सब कुछ छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक को देना चाहती है।